भारत और चीन के बीच एलएसी पर 6 महीने से जारी तनाव खत्म हो सकता है, ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। एलएसी से भारत और चीन सेना को पीछे हटा सकते हैं। चीन ने सैनिकों को हटाने का नया प्रस्ताव दिया है। दरअसल चीन पैंगोंग झील के किनारे फिंगर 8 तक जाने के लिए तैयार है। भारत ने चीन के सामने फिंगर 8 लौटने की शर्त रखी थी और इस स्टैंड पर भारत क्लियर था। 9वें दौर की कोर कमांडर स्तर की वार्ता में इस प्रस्ताव पर चर्चा संभव है। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि फिंगर एरिया में, खासतौर पर फिंगर 4 तक, चीनी सैनिक सबसे ऊंची पहाड़ी पर पहुंचने की कोशिश में थे, लेकिन उससे ही पहले भारतीय सेना ने अपनी चौकियों को वहां पर बनाकर तैनाती कर दी है और सबसे ऊंचे एरिया पर तैनाती की वजह से भी चीन पीछे हट सकता है, क्योंकि चीन पर इस वक्त पैनी नजर हिंदुस्तान रखे हुए है। और फिंगर 8 तक लौटने का जो स्टैंड भारत ने चीन के सामने शुरू से ही बातचीत की टेबल पर रखा था वो कायम है। एलएसी पर भारतीय सेना के पराक्रम को देखने के बाद चीन अब अपनी हद में, यानी फिंगर 8 तक लौटने को तैयार हो गया। चीन ने भारत को नया प्रस्ताव देते हुए फिंगर 8 तक लौटने की बात कही है। लद्दाख में सर्दियां शुरू हो गई हैं, ऐसे में चीन की सैनिकों के लिए इन कठिन परिस्थितियों में ठहरना मुश्किल है। इसके बाद चीन भारत के साथ रिश्तों पर पड़ी बर्फ को पिघलाना चाहता है। चीन के प्रस्ताव में 3 चरणों में टैंक और सैनिकों को एलएसी से हटाने की बात कही गई। चीन के नए प्रस्ताव के बाद ये साफ हो गया कि लद्दाख के रण क्षेत्र में भारतीय सेना के पराक्रम का सामना करना चीन के सैनिकों के बस की बात नहीं। एलएसी पर भारत अड़ा, चीन को झुकना पड़ा। मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सीमा सम्मान स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। सर्दियों में पिघलेगी भारत चीन रिश्तों की बर्फ। हिंद की पराक्रमी तैयारी से हद में लौटेगा चीन। अब हमारी सरकार ने सेनाओं को वह खुली छूट दे रखी है कि एलएसी पर हम किसी भी तरह के बदलाव को अनदेखा नहीं करेंगे। झुकता है चीन, झुकाने वाला चाहिए। दुनिया के 2 परमाणु शक्ति संपन्न देश चीन और भारत एलएसी पर एक दूसरे के सामने खड़े हैं। जब 2 ताकतवर देशों के 50,000 सैनिक एक दूसरे के सामने मौजूद हो तो छोटी सी चिंगारी से बड़ी आग भी भड़क सकती है। 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन इस बड़े खतरे के बावजूद दोनों देशों के बीच तनाव कम नहीं हो रहा। लेकिन अब एलएसी से एक अच्छी खबर आ रही है, जिसके मुताबिक भारत और चीन अपनी अपनी सेनाओं को पीछे हटा सकते हैं। पिछले 6 महीने से ज्यादा वक्त से पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर तैनात भारतीय सैनिकों की वापसी अगले हफ्ते से शुरू हो सकती है। सेनाओं की वापसी के चीन के नए प्रस्ताव पर भारत इस समय गंभीरता से विचार कर रहा है। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं आखिर एलएसी से सेनाओं को पीछे हटाने के लिए चीन ने कौन सा नया प्रस्ताव दिया है। चीन के नए प्रस्ताव के मुताबिक चीन पैंगोंग झील के किनारे फिंगर 8 तक जाने के लिए तैयार है। अप्रैल 2020 तक चीन के सैनिक इसी पोजीशन पर तैनात थे। भारत ने भी चीन के सामने फिंगर 8 लौटने की शर्त रखी थी और अब कोर कमांडर स्तर की 9वें दौर की वार्ता में चीन के इस प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। भारत और चीन के बीच 9वें दौर की यह वार्ता अगले हफ्ते हो सकती है। चलिए अब आपको समझाते हैं आखिरकार क्यों चीन को पीछे हटने का प्रस्ताव देना पड़ा। इस समय एलएसी पर दोनों पक्षों के 50,000 सैनिक तैनात हैं। सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और यहां का तापमान अभी से ही 0 से 25 डिग्री नीचे चला गया है।
ऐसे में दोनों ही पक्ष सैनिक वापसी का कोई रास्ता निकालना चाहते हैं। अब आप ये भी समझिए किस तरह दोनों देश एलएसी से अपनी सेनाओं को पीछे हटाएंगे। एलएसी पर सेनाओं को हटाने के नए प्रस्ताव के मुताबिक सेना की वापसी का काम 3 चरणों में होगा और 3 दिनों के अंदर दोनों देश अपने सैनिकों की संख्या को घटाने का काम करेंगे। पहले पेंगोंग के पश्चिमी किनारे से सेनाएं हटेंगी और फिर पूर्वी किनारे से भारत की सेना पीछे जाएगी। चलिए अब आपको बताते हैं किस तरह 3 दिन में दोनों देशों की सेनाओं को चरणबद्ध तरीके से पीछे हटाने का प्रस्ताव दिया गया है। इस प्रस्ताव के मुताबिक सबसे पहले टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां पीछे हटाई जाएंगी। एक ही दिन में दोनों देश घातक टैंकों को पीछे करेंगे। इसके बाद पेंगोंग झील की पश्चिमी किनारे से सैनिकों की वापसी होगी। दोनों पक्ष हर रोज 1/3 सैनिकों को कम करेंगे। इस तरह से ये काम 3 दिन में पूरा होगा। चीन के सैनिक फिंगर 4 को खाली करके फिंगर 8 के पीछे अपनी पुरानी स्थिति में लौटेंगे और भारतीय सैनिक फिंगर 2 के पास धन सिंह थापा पोस्ट तक वापस लौटेंगे। दोनों चरण पूरे होने के बाद पेंगोंग के पूर्वी किनारे पर चुशुल सेक्टर में रेजांगला, रेजिनला और मुखपरी जैसी चोटियों समेत पूरी एलएसी पर तैनात सैनिकों की वापसी होगी। इस सारी प्रक्रिया की समीक्षा दोनों ही पक्ष सैटेलाइट और यूएई समेत कई तरीकों से करने वाले हैं। चलिए अब आपको बताते हैं आखिरकार खुद को दुनिया की महाशक्ति बताने वाले चीन को क्यों बातचीत की टेबल पर अपने सुर नरम करने पड़े। इसका श्रेय एलएसी पर भारतीय सेना की पराक्रमी तैयारियों को भी जाता है। Line of actual control in eastern Ladakh remains tense, and the PLA is facing unanticipated consequences of its misadventure in Ladakh because of the Indian Defence Forces' firm and strong response. Our posturing is unambiguous. We will not accept any shifting of the line of actual control. In the overall security calculus, border confrontations, transgressions, and unprovoked tactical military actions spiraling into a larger conflict cannot therefore be discontinued or discounted. भारतीय सेना ने 29-30 अगस्त को पेंगोंग के पूर्वी किनारे पर कार्रवाई करते हुए चुशुल सेक्टर में बहुत महत्वपूर्ण जगहों पर कब्जा कर लिया था। इसी के साथ पेंगोंग के पश्चिमी किनारे पर फिंगर 4 के आसपास भी कई ऐसी ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया गया था जहां से चीन के सैनिकों पर नजर रखी जा सकती थी और जरूरत पड़ने पर हमले भी किए जा सकते थे। इसी दौरान भारतीय सेना ने ऐतिहासिक कार्रवाई करते हुए रेजांगला, रेचिनला और मुखपरी पर टैंकों को भी तैनात कर दिया था। इन कार्रवाइयों ने पल्ला पूरी तरह से भारत के पक्ष में झुका दिया था और चीन के सुर पिछली 2 बैठकों में काफी नरम पड़ गए थे। भारत ने सर्दियों में एलएसी पर अपनी तैयारियों को भी काफी मजबूत कर लिया था। ऐसे में चीन के सामने पीछे हटने के सिवाय कोई चारा नहीं बचा था। भारत भी सीमा पर तनाव नहीं चाहता, लेकिन चीन के प्रस्ताव पर चर्चा और सेनाओं को पीछे हटाने के दौरान पूरी सतर्कता भी बरतनी पड़ेगी क्योंकि इतिहास चीन पर भरोसा नहीं करने की सीख देता है। जी मीडिया के लिए कृष्ण मोहन मिश्रा की रिपोर्ट।